आज की कहानी है प्यार की कहानी, एक जीवन साथी को मैनिफेस्ट करने की कहानी। वैसे तो इंसान को अपनी सच्ची प्रीत जो है वो अपने प्रभु से ही रखनी चाहिए हमेशा। अगर जीवन साथी है तो भी आपका सच्चा साथी इस जीवन के अंदर भगवान से लॉयल आपको कोई साथी नहीं मिल सकता। लेकिन जब हमारे साथ एक जीवन साथी होता है और वो खूबसूरत होता है दिल से मेनली, तो आपके लिए जो है जीवन में दुख आते हो जाते हैं, सुख दोगुने हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। जीवन आसान हो जाता है अगर एक अच्छा इंसान मिल जाए साथ जीने के लिए। तो अगर आप ऐसे कोई प्रोसेस में हैं, आप प्यार को पाना चाहते हैं, एक जीवन साथी को, एक शादी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो ये कहानी है आपके लिए। डिवाइन डेजी काउंसलर चैनल पे आप सबका स्वागत है दोस्तों। हम 1-to-1 LOA कोचिंग, टैरोट कार्ड रीडिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की सर्विसेज देते हैं। हमारी सभी सेवाओं के लिए आप सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर हमसे रिच आउट कर सकते हैं। आज वीडियो के शुरू में ही वो हर एक सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद, वो हर एक कमेंट करने वाले का धन्यवाद, वो एक इंसान का धन्यवाद जो आज मेरा ये वीडियो सुन रहा है। आप लोगों को आइडिया नहीं है कि मैं किस कदर ग्रेटफुल फील करती हूँ। मुझे करना था कुछ, ऐसे बोलना था, बट मुझे आइडिया नहीं था कि लोग इतने प्यार से जुड़ेंगे। बस मुझे खुशी होती है कि लोग बहुत इमोशन के साथ, बहुत प्यार से जुड़े हैं इस चैनल के ऊपर। आप सबके जीवन में जो भी आप चाहते हैं आपको खुशियाँ मिले, मुझे नहीं पता आप मुझसे क्यों जुड़े हैं, ठीक है। डेफिनेटली आपकी कोई इच्छा है, आप चाहते हैं परमात्मा से, कुदरत से, यूनिवर्स से कि आपको कुछ मिले, उसके रिलेटेड राह मिले। और परमात्मा से प्रार्थना है कि आपकी इच्छा पूरी हो, आपको सही राह मिले, आपका दिल खुश हो और आप अपने आप को बहुत 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 प्यार करें। आती है आज की कहानी के ऊपर। ये US में रहने वाली एक इंडियन लड़की की कहानी है। कहानी के शुरुआत में ये द सीक्रेट, द मैजिक और द पावर को बहुत बहुत थैंक यू बोलती है कि इसकी जो टीचिंग्स है इसने इनकी ज़िंदगी बदली। जो जिनके लिए ये वर्ड्स नए हैं, द सीक्रेट माना लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोस्तों, द मैजिक माना ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस और द पावर माना प्यार की ताकत। सच्चा प्यार, प्यार की फीलिंग जो है वो इंसान के जीवन के हर एक एरिया को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, चाहे वो फाइनेंस हो, रिलेशनशिप हो, कोई भी हो। प्यार एक ऐसी भावना है जिसको पावर बोला है इस बुक के अंदर। ये बोलती है 2012 से ये जो है द सीक्रेट के टीचिंग को फॉलो कर रही है। और उसके जब से इन्होंने द सीक्रेट देखा है तब से एक प्रैक्टिस इन्होंने कंटिन्यू रखी है कि ये सोने के 20 मिनट पहले डेली जो है द सीक्रेट मूवी देखती है, विच इज़ वेरी गुड प्रैक्टिस दोस्तों। सोने से पहले आप कोई भी पॉजिटिव चीज़ देखे या सुने, इट इज़ वेरी गुड टू गो टू स्लीप इनटू हैप्पी मोड। आप एक बहुत ही पॉजिटिव जोन में रह के, पॉजिटिव मूड में रह के, आप जब आपका दिल खुश हो उस टाइम पे अगर आप सो रहे हैं, दैट कैन बी सो मिराकुलस। आपकी बॉडी भी हेल्दी रहती है, आप दूसरे दिन बहुत ही फ्रेश हो, खुश उठते हैं, ठीक है। आते हैं कहानी के ऊपर। इनके जीवन में जब द सीक्रेट आया था तो ये जो है एक जीवन साथी को मैनिफेस्ट करना चाहती थी। ये शादी के लिए बहुत सारे लड़कों को मिल रही थी लेकिन कोई इनको क्लिक नहीं हो रहा था। द सीक्रेट को पढ़ने के बाद इनको ये रियलाइज़ हुआ कि इनको एक लव लिस्ट बनानी चाहिए। इन्होंने एक लव लिस्ट बनाई, उन्होंने वो सारी चीज़ें लिस्ट डाउन की जो इनको इनके पार्टनर के अंदर चाहिए थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट आज की कहानी का क्रक्स, रोज़ सोने से पहले ये भगवान को थैंक यू बोलने लगी कि थैंक यू फॉर गिविंग मी माई सोलमेट। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत सारे लोगों को कमेंट में भी बोली हुई है कि आपको ऑलरेडी सोने से पहले थैंक यू बोलना है कि आपकी चीज़ें हो गई है। सुबह उठते ही डायरेक्टली बोल दो थैंक यू। उस टाइम पे क्या है, एक साइंस है, ऐसा नहीं है आप अल्फा स्टेट में होते हो तो आपका सबकॉन्शियस जो है बहुत जल्दी आपकी कमांड एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो बहुत आसान हो जाता है आपका मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस। दूसरी चीज़, आपके सबकॉन्शियस के अंदर चला गया कि भाई ये चीज़ तो इसकी हो गई है, इसको तो मैनिफेस्ट हो गया है, तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में वैसे वाले पॉजिटिव चेंजेस, वैसे लोगों का अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। इट इज़ ऑल कोरिलेटेड, ठीक है।
तीन चीज़ें जो इस कहानी में से आपको अगर टेक डाउन करनी है, नोट्स जिसको बोलते हैं, कि ये सोने से पहले द सीक्रेट डेली देखती थी, आप द सीक्रेट देखिए, कोई सक्सेस स्टोरी देखिए, कोई अगर आपको टेक्निक का देखना है तो, या फिर आप किसी को कॉमेडी मूवी देखनी है, रोमांटिक मूवी देखनी है, सी समथिंग विच मेक्स यू फील गुड एंड इंस्पायर, ठीक है, सोने से पहले। सेकेंड थिंग, इन्होंने लव लिस्ट बनाया था, इनको जो चाहिए था आप उसका लिस्ट बनाइए। अगर जॉब मैनिफेस्ट करनी है तो जॉब का स्पेसिफिकेशन, पार्टनर का मैनिफेस्टेशन। एंड थर्ड थिंग, सोने से पहले ग्रेटफुल होके ऑलरेडी परमात्मा को थैंक यू बोलना, ऑलरेडी यूनिवर्स को थैंक यू बोलना, थैंक यू फॉर गिविंग मी माई सोलमेट। अब आता है कहानी का रिजल्ट। आफ्टर प्रैक्टिसिंग दिस फॉर विथ इन अ वीक, आफ्टर अ वीक और समथिंग, एक आध हफ्ते के बाद ही ये इतनी एक्साइटेड हो गई एक फ़ोटो को देख के, इनको ये लगा कि इनको इनके जो मैन है वो मिल गए। एंड दैट हैपेंड, वो जब उस इंसान से मिली इनको इंस्टेंट कनेक्शन महसूस हुआ। ये लिखती है कि उन्हीं चीज़ें मटीरियलाइज्ड हुई और अब वो ऑलरेडी मैरिड है उस इंसान के साथ। इस इंसान को ये जब मिली थी तो इनको ये ट्रिगर हो गया था, इनके दिल ने इनको बोल दिया था कि यही वो इंसान है जिनको ये मिलना चाहती थी। ये लिखती है कि ये आज तक डेली जो है वो मैजिक प्रैक्टिस करती है, इनके जीवन जीने के और जीवन देखने के तरीके पूरी तरह से बदल चुके हैं। ये बहुत ही शुक्रगुजार है द सीक्रेट की टीचिंग के लिए, क्योंकि इससे इन्होंने अपने जीवन का सच्चा प्यार इनके सोलमेट को मैनिफेस्ट किया है। ये लिखती है, अंत में जीवन बहुत खूबसूरत है और आप वो सारी चीज़ें डिज़र्व करते हैं जो आप डिज़ायर करते हैं, बस आपको बिलीव करने की ज़रूरत है एंड इट विल मैनिफेस्ट फॉर यू। ये कहानी हर एक इंसान के लिए है जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहता है। इन्होंने कुछ भी ज़्यादा नहीं किया है, लेट गो, ये सारे स्टेप क्या 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 नहीं पड़े, किसी टेक्निकलिटी में ना पड़े दोस्तों। आपका दिल आपको जो बोलता है बस बहुत इजी रहिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए, खुश रहिए, रिलैक्स रहिए। आपने कुछ बोला है तो आपके लिए आएगा, भरोसा कीजिए। आपके माँ बाप को आप बोलते हैं कि मम्मा पापा मुझे ये चाहिए, तो एक हफ्ते में पांच, अभी पैसा नहीं है तो पैसा जोड़ के भी वो आपको दे देंगे ना, यूनिवर्स का भी तो ऐसा ही है ना दोस्तों। हो सकता है आपने कुछ चीज़ें मांगी है, अभी कुछ आपकी ही बिलीफ आपके अगेंस्ट है या बाहर चीज़ें गलत है, इट माइट टेक टाइम अ लिटल बिट, बट इट विल मैनिफेस्ट फॉर यू। स्टे रिलैक्स, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव और प्लीज़ ध्यान रखिए, सोते टाइम एक हैप्पी जोन में सोइए और सुबह उठते ही अपनी सारी इच्छा बस ऐसे बोलिए कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे तो वो मिल गया जो मेरा है, ठीक है। एक और कहानी के साथ जल्द मिलेंगे। आपका बहुत 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 शुक्रिया इस चैनल से जुड़े रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो।